खरीदना तो सोच भी नहीं सकती। शमसेर खान 50 लाख का लोन और वो कहती हैं कि 17,000 रुपए की ईएमआई वो अभी तक उसको लेकर चुका रही हैं। लोग इसी पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। वैसे रिया से सीबीआई पिछले 8 घंटे से पूछताछ कर रही है। सुबह 11 बजे से ये पूछताछ रिया से जारी है और सुशांत से ब्रेकअप पर यानी कि रिश्ता टूटने पर भी सीबीआई ने सवाल पूछा है और पूछा है कि 8 जून को आपने सुशांत का घर क्यों छोड़ा। शम्स, पहले लोन के पैसे को लेकर जो सवाल हुआ उस पर सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि 50 लाख का लोन वो दावे के साथ कह रही है और फिर ये भी बता रही कि 17,000 की ईएमआई में भर रही हूं, अब पता नहीं कैसे भरूंगी। जितने डॉक्यूमेंट्स थे, एक मैराथन मीटिंग हो चुकी थी ईडी के साथ, पूरी फैमिली की, चक्रवर्ती फैमिली की, और इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे। जैसा भी हमारे सहयोगी देवेश बता रहे थे, ईडी के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, और जो ईडी के सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि प्रॉपर्टी और बैंक के जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है जिस पर कुछ डाउट किया जाए। लेकिन दूसरी चीज़ जो ड्रग्स के चैट पर बात आ रही है उसमें यह है कि अगर, हालांकि उसमें थोड़ा सा एक मुश्किल आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, लेकिन कानून ये कहता है कि अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी है तो उसमें 1 साल तक की सज़ा ये अवेलेबल है। अगर आपके पास कॉमर्शियल क्वांटिटी है, मतलब ज़्यादा, तो फिर उसमें आप 10 साल तक जाते हैं, और अगर उससे भी ज़्यादा ह्यूज है तो आप 20 साल तक जाते हैं। यहाँ पर इस्तेमाल करने की बात आ रही है गांजा और दूसरी चरस, अगर ये 100 ग्राम के आसपास या उससे कम है तो फिर ये 1 साल की सज़ा है और इसमें लेकिन जमानती अपराध है, बेल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ड्रग्स आपको सामने वाले के पोजीशन में उसके पास दिखाना पड़ेगा, यूज़ करते हुए साबित करना पड़ेगा। और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने इसी इंटरव्यू में कहा था कि वो ड्रग टेस्ट के लिए तैयार हैं, यहाँ एक मुश्किल ये है कि अगर उन्होंने अभी पिछले कुछ वक्त से ड्रग्स नहीं लिया और अगर लेती हैं तो अब वो सैंपल में नहीं आएगा क्योंकि वो खास मुद्दत होती है। हाँ, नेल्स में कहते हैं और बाल में कहते हैं कि उसके टेस्ट से पता चल जाता है, लेकिन नेल्स बढ़ते हैं, लोग काट देते हैं, बाल धुल जाते हैं, कट जाते हैं, तो ये अगर उन्होंने हाल फिलहाल नहीं लिया ड्रग्स तो इस सैंपल या टेस्ट से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, वापस आते हैं शम्स आपके पास। सिद्धार्थ पिठानी वहां इस समय पहुंचा जहां पर पूछताछ हो रही है, डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां से शम्स लाइव मौजूद है, जहां मुनीश पांडे भी इस वक्त लाइव मौजूद है, वहीं सिद्धार्थ पिठानी पहुंचा। पीछे हलचल काफी हुई अभी थोड़ी देर पहले। मुनीश पांडे, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं बताइए जरा। जी देखिए, सिद्धार्थ पिठानी सुबह के वक्त इसी डीआरडीओ दफ्तर में थे और सुबह के वक्त सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और सैमुअल मिरांडा, जो तीन अहम किरदार हैं सुशांत सिंह की मौत को लेकर जो जांच चल रही है, इन तीनों को साथ में लेकर पूछताछ की जा रही थी। और सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई के जो अधिकारी मेरे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सिद्धार्थ पिठानी एक ऐसा शख्स है जिसने बयान अपने कई बार बदले हुए हैं, नीरज से उसके बयान मेल नहीं खाए, और इसीलिए 6 दिन तक सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हुई, 7 दिन तक नीरज से पूछताछ हुई। सुबह जब उनका कन्फ्रंटेशन कराया जा रहा था तो विरोधाभास एक बार फिर से सामने नजर आए। इसके बाद में सीबीआई ने ये डिसाइड किया, चूँकि डीआरडीओ में बहुत ज़्यादा कमरे नहीं हैं और यहाँ पर रिया और शौविक के अलग अलग कमरों में पूछताछ हो रही है, नीरज सैमुअल मिरांडा के अलग कमरों में पूछताछ हो रही है, इसके लिए सीबीआई ने ये डिसाइड किया कि वो सिद्धार्थ पिठानी को अपने सीबीआई हेड ऑफिस में लेकर जाएंगे जो कि बीकेसी में मौजूद है, और वहाँ पर 5 घंटे तक सिद्धार्थ पिठानी से अलग से पूछताछ की गई है और दोबारा यहाँ पर लाया गया है। और मेरी एक अधिकारी से बात हुई है, उनका ये कहना है कि एक बार फिर से नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा, इनको साथ में बिठाकर फिर से कन्फ्रंटेशन का दौर शुरू होगा, क्योंकि इनके जो जवाब होंगे वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में सबूत भी बन सकते हैं। ये एक तरह से मुख्य चश्मदीद हैं, मुख्य गवाह हैं पूरे केस के लिए। तो यही वजह है कि सिद्धार्थ पिठानी का डीआरडीओ दफ्तर में फिर आना और उसी वक्त शौविक और रिया से भी पूछताछ चलना, कहीं ना कहीं सीबीआई जो है अपनी तरह से पूरी तरह से पुष्टि करना चाहती है कि जो आरोप हैं उसको लेकर अगर कोई सबूत मिल सकते हैं उनको तो उसमें कोई खामी ना रह जाए। जी रोहित, बिल्कुल वापस आते हैं आपके पास। मुनीश पांडे इस वक्त जानकारी दे रहे हैं कि सिद्धार्थ पिठानी, उसे ले जाया गया था, सीबीआई ले गई थी वहां से जहां डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ चल रही है। सीबीआई के दफ्तर में सिद्धार्थ पिठानी से दिन में पूछताछ की गई थी और अब सिद्धार्थ पिठानी को लाया गया वापस उसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जहां शौविक यानी कि रिया चक्रवर्ती का भाई और रिया चक्रवर्ती खुद दोनों मौजूद हैं। दोनों से सीबीआई सुबह से लगातार पूछताछ कर रही है और अब सिद्धार्थ पिठानी को भी लाया गया। सिद्धार्थ पिठानी अलग अलग टीवी चैनल्स पर दिखाई दिया था शम्स, आज तक पर भी दिखाई दिया था, लेकिन जिस तरीके का रवैया था उसने सवालों को और गहरा कर दिया था। क्या लगता है आमने सामने बिठाकर उनका जवाब तलाशा जा सकेगा जो मिसिंग है जवाब अब तक?
देखिए ये तय है पहले से कि रिया चक्रवर्ती से पहले पूछताछ होगी, इससे पहले तमाम जो स्टाफ थे उनसे हो चुकी थी, और इसके बाद इन चार के अलावा जो सैमुअल मिरांडा है उसके साथ भी इन लोगों को एक साथ बिठाकर क्रॉस चेक किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इनके बयान हैं उस घर को लेकर, घर की तारीख को लेकर, रिश्तों को लेकर, झगड़े को लेकर, घर से जाने को लेकर, ड्रग्स को लेकर। तो ये चार पांच वो अहम लोग हैं, विटनेस हैं, जो एक एक चीज उस घर के राज को जानते हैं, और जो रिया चक्रवर्ती पूछताछ में बताएंगी इन चारों को, चूंकि रिया चक्रवर्ती आखिरी तीन महीने तक सुशांत के घर में ही थी 8 जून जाने से पहले तक, तो वो सारी चीज़ें इन चारों को बिठाकर आमने सामने घर के स्टाफ को, रिया को, और फिर से पूछताछ होगी। लेकिन अभी ये पहला राउंड है, शुरुआती पूछताछ चल रही है, इसके बाद दूसरा राउंड शुरू होगा, और अब तक सीबीआई चारों स्टाफ को भी अलग अलग और फिर एक साथ बिठाकर पूछताछ कर चुकी है। अब बारी रिया चक्रवर्ती की, हालांकि फ़र्क ये होगा कि वो चारों विटनेस के गवाह के तौर पर पूछताछ हो रही थी, यहाँ रिया चक्रवर्ती एक आरोपी के तौर पर उनसे पूछताछ हो रही है, और एक आरोपी के तौर पर ही बाकी चारों से कन्फ्रंट कराया जाएगा। शमस्तायर खान बता रहे हैं वहां से कि अब चारों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, इसीलिए सिद्धार्थ पिठानी को डीआरडीओ गेस्ट हाउस लाया गया है। सीबीआई ने पिठानी से दिन में 5 घंटे तक पूछताछ की थी, रिया चक्रवर्ती से पिछले 8 घंटे से लगातार पूछताछ हो रही है। सैमुअल मिरांडा और नीरज भी अलग कमरे में उसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद है, जहां उनसे पहले से पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुबह की, इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती बैठकर गई थी डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां मीडिया पर अपनी खींच भी उतारी थी रिया चक्रवर्ती ने। उस समय तस्वीरें उसकी भी आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, रिया की गाड़ी के साथ साथ थी आज तक की टीम, लगातार पीछे पीछे थी आज तक की टीम, और एक एक तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई है, और सीबीआई क्या क्या सवाल रिया से पूछ रही है वो सारे सवाल भी आज तक आपके सामने रख रहा है, और उन सवालों के रिया ने जवाब क्या दिए हो सकते हैं, क्या वही जवाब दिए जो आज तक को कल दिए थे, क्योंकि सीबीआई की पूछताछ से पहले आज तक की पूछताछ का सामना करना पड़ा था रिया को, और आज तक ने रिया से हर वो सवाल पूछा था जो आपके मन में इस पूरे मामले को लेकर पिछले 2-2.5 महीने से घूम रहा था, और रिया ने एक एक सवाल का जवाब आज तक पर दिया था। हालांकि कुछ सवालों को लेकर, कुछ जवाबों को लेकर फिर से सवाल खड़े हुए, क्योंकि उनमें विरोधाभास थे। रिया ने कहा परिवार से संबंध अच्छे नहीं थे, जबकि परिवार लगातार वीडियोज और तस्वीरें दिखाता रहा है, जारी करता रहा है, ये बताने के लिए कि रिया की तरफ से झूठ बोला जा रहा है। सिद्धार्थ, सुशांत की पहली गर्लफ्रेंड अंकिता के मकान को लेकर भी रिया ने जो बातें कही उस पर अंकिता ने बाकायदे आज एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, बयान दिया एक बाकायदे लिखित में सोशल मीडिया पर। क्लस्ट्रोफोबिया का शिकार बताया सुशांत को रिया ने, लेकिन सुशांत के पुराने इंटरव्यू इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो खुद आसमान में उड़ने के शौकीन थे।